Good afternoon and hello students. आज हम कुछ vocabulary के words पर discuss करेंगे. उनमें से first है paraphrase. Paraphrase का meaning है आपका कोई difficult page या कोई book है, उसको आप किसी और किसी से पूछते हो और वो आपको दूसरी language में समझाता है, मतलब कि other language आपको जिससे समझ में आए. आपका कोई line है तो आप उसको समझ नहीं पा रहे तो आप कोई ईजी लैंग्वेज में समझाए तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेज. फिर सेकेंड है अनडिनाइएबल. अनडिनाइएबल का मीनिंग है, उसको मैं एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल है जैसे कि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है. तो अगर आप मतलब मास्क लगाएंगे तो कोरोना वायरस हो जाएगा तो आप खोना ही है वो काम, तो उसको बोलते हैं अनडिनाइएबल. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही सरल सी वोकेबुलरी लेकर आया हूँ, आप कृपया देखें. जानबूझ करके मैंने जो है कुछ ग्रुपिंग किया है. रोड, फार, फार फेस्ट एंड ल्यूडिक्रस, अंडरस्टैंड, अंडर एस्टिमेट, अंडर स्टेटमेंट एंड इनकोरिजिबल, ये कुछ लाया हूँ. आप कृपया करके थोड़ा धीरे धीरे इनको सबको अपनी डायरी में लिखते चले जाइए. एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको सारी पूरी पूरी वोकेबुलरी आ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा. अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं इनकोरिजिबल. कोरिजिबल का मतलब ये होता है, कोरिजिबल का जिस दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, मतलब कोरिजिबल का मतलब है कि उसको सुधारा जा सकता है, वो सुधर सकता है, उसको बदला जा सकता है, वो म्यूटेबल है, यानी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है. अब ज्यादातर हम काम में जो लेते हैं ना इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल का मतलब है कि ये व्यक्ति तो इनकोरिजिबल है, इसको नहीं समझाया जा सकता. अब इसको रोजाना कहता हूं, अरे भाई तुम डायरी में वोकेबुलरी उतारा करो, ईडियम में उतारा करो, पर दिस इज ए इनकोरिजिबल फेलो, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, ही हैज गॉन टू द डॉग्स. अरे आप ऐसा क्यों करते हो, बी कोरिजिबल, डोंट बिकम इनकोरिजिबल. इनकोरिजिबल का मतलब है ये तो नहीं सुधरेंगे, ये लंगोटी वाले ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे, ऐसा मत करने दीजिए मुझे. आप जो है ना कोरिजिबल बनिए, सुधर सकते हो. इनकोरिजिबल का मतलब है कि आप जो है यू आर मेड ऑफ स्टोन, यू विल नेवर इम्प्रूव, दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड. मेरी विनती है आपसे कि आप कोरिजिबल का मतलब है जिसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता हो, जिसको म्यूटेट किया जा सकता हो, जिसमें सुधार किया जा सकता हो. इनकोरिजिबल का मतलब है वो स्ट्रेट लाइन, वो आयरन रोड जो सुधर नहीं सकते. तो अब आप समझ गए कि इनकोरिजिबल का मतलब है जो नहीं सुधारा जा सकता. अब देखिए दूसरा है अंडर एस्टिमेट. अंडर एस्टिमेट मतलब कमतर आंकना, अंडर एस्टिमेट करना. अब जैसे है कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की जो सीरियसनेस है, इसका जो मतलब ये समझ लिए कि ये जो जितना असर कर सकता है उसको यदि आप अंडर एस्टिमेट करोगे ना तो जीवन से हाथ धो बैठोगे. यू शुड ऑलवेज ओवर एस्टिमेट सच टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. और जो आपको शिक्षा दी जाती है, जो आपको आदेश दिया जाता है, जो आपको सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है, उसको गॉस्पेल ट्रूथ समझ करके, उसको जो है ना रिलीजियस हिम समझ करके उसका उपयोग करना चाहिए. अंडर एस्टिमेट का मतलब है कमतर आंकना. कमतर आंकने का मतलब है कि जैसे कि साहब मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मैं चुनाव जीत सकता हूँ. अरे यू आर अंडर एस्टिमेटिंग, ये खर्चा होता है करोड़ों का और इसमें वर्कर्स चाहिए जिनको रात और दिन खिलाने के लिए लाखों रुपया डेली का चाहिए. डोंट अंडर एस्टिमेट कि आप जीत करके आ सकते हैं, इसको आप जो है ना रियलिटी में जाइए, अंडर एस्टिमेट करें. और फिर दूसरा है अंडरस्टेटमेंट. अंडरस्टेटमेंट का मतलब है कि आपने जानबूझ करके कम बोला ताकि दूसरा प्रसन्न हो जाए. जैसे आप कहो कि ये व्यक्ति, इसको तो कुछ आती नहीं अंग्रेजी, तो आप उसको क्या बोलोगे, आपको थोड़ी अंग्रेजी कम आती है, तो वो खुश भी हो जाएगा. परंतु आपने क्या विधा उपयोग की है, अंडर एस्टिमेट. अब कोई व्यक्ति ओबीस है, बड़ा भारी वजनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, अरे तुम्हारा तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है वजन. तो ये अंडर स्टेटमेंट है. तो अंडर स्टेटमेंट ये क्या है, एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच है. इसको मैं आपको लिटोटिस या मियोसिस, जब हम टेक्निकल टर्म पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि अंडर स्टेटमेंट क्या होता है. अंडर स्टेटमेंट आप समझ गए कि भाई आपने बहुत ही उसका एस्टिमेशन कम किया है, कोई बड़ी चीज है उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया. नेक्स्ट इज ल्यूडिक्रस एंड फार फेच्ड.
ludicrous and far-fetched दोनों में हमको हंसी आती है सुन करके, दोनों में हमको हंसी आती है, क्यों? कि ये imagination आधारित है, इनमें reality से कोई लेना देना नहीं है। आप कह सकते हो कि यदि चंद्रमा जो है ना थोड़ा नीचे आ जाए ना तो सबको जो है ना दो दो किलो पनीर मिल जाएगा, दो दो किलो पनीर मिल जाएगा, बेकार की बातें करते हो, हंसी हंसी नहीं आएगा तो क्या होगा, हंसी नहीं आएगा तो क्या होगा, ये ludicrous स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से आप कहो जो कि देखो ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी विशेष को ही ज्यादा असर करता है ना, कम्युनिटी विशेष को असर करता है, क्यों? कि वो जो है ना लूज कपड़े पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं और थोड़ा ओछे कपड़े पहनते हैं, है ना, थोड़ा ओछे कपड़े, उनका तन तन थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, इसीलिए उनको जो है ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है, ये बेकार की बातें। तो ऐसी बातों को जो फार फेस्ड है, इमेजिनरी बेस्ड है, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सुन करके किसी भी अनुभवी व्यक्ति को एक तरह से हंसी आवे, हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा, तो हंसी आए तो ऐसी चीजों को हम फार फेस्ड आइडिया और ludicrous स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ना ये दो है ना, दोनों है वो होमोफोन है। रोट का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है वो रोट हो जाए, रोट होने का मतलब इट गेट्स ब्रेक्स इनटू इट्स एलिमेंट्स, बैक्टीरिया इस पर इतने ज्यादा हो जाए इसको एलिमेंट्स में तोड़ दे तो इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग, इसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी, तो वो रोटन हो जाएगा, रोटन हो जाता। इसी पर ये जो रोट है ना इट इज रिलेटेड टू मेमोरी, कि आप रोट, यू लर्न बाई रोट, लर्न बाई रोट का मतलब है माइंड तो लगाओ नहीं और बोलते रहो ऐसे सिर हिला हिला करके, तो आपके माइंड में तो याद हो जाएगा, है ना, आपको बाई हार्ट तो याद हो जाएगा, परंतु जरूरी नहीं है कि उसकी डेप्थ कब की आपको पता लगे। डेप्थ का पता लगने के लिए रोट के साथ साथ में आपकी आईज भी ओपन होना चाहिए, आपका माइंड भी खुला होना चाहिए और इमेजिनेशन और मेंटल जो है ना मेंटल प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ताकि वो आइडिया उस पर बैठ सके। ये आप ये मैंने रोट बताया और क्योंकि आज ज्यादा मैंने वोकैबुलरी नहीं लिया, मैं चाहता हूँ कि स्लोली लूँ, अन्यथा आप जो है ना थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वीडियो देखोगे नहीं, वीडियो नहीं देखोगे तो हानि मेरी तो नहीं होगी, हानि आपकी होगी, परंतु मैं आपकी हानि नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते रहें और मैं आपके लिए छोटा छोटा आपको स्पून फीडिंग करता रहूं ताकि मेरा भी उद्देश्य सिद्ध हो जाए, आपका भला हो जाए। तो अब आप देख लेना कि 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है, मोमबत्ती जलाना, दिए जलाना और उसकी मोबाइल की रोशनी करना, लाइट ऑफ करना, इसको मत भूलना, प्लीज करते रहना। हमने सिकंदर महान को नहीं देखा है, हमने अकबर महान को नहीं देखा है, हमने हमारे जीवन में सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जैसा लीडर देखा है।